हमार विंध स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर रीवा से है भाई, जहां कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन जिला माही अवैध उत्खनन और परिवहन कराए वालिन के ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। जहां हुजूर तहसील के नरौरा गांव माही अवैध उत्खनन कराए वाले 3 पोकलैंड मशीन, 3 कंप्रेसर और 4 डंपर पथरा के साथ है जब्त करी नहीं भाई। यही मेर से अल्ट्राटेक कंपनी के क्षेत्र माही और रूखे सटे क्षेत्र में अवैध उत्खनन कराए वाले 3 पोकलैंड और 4 डंपर जब्त करी। वह सूत्रन से पता चला है भाई के कौनो सफेद पोष नेता के घलाए वाहन एमा पकड़ी गा हबै, जिनका पुलिस अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के भीतर खड़ा कर दी नहीं भाई। आई सुनाई एडिशनल एसपी कार्रवाई कलई के का बताए रहे हमा। जैसा कि जानकारी में आप लोगों के बीच बीच में अभियान लगातार चलता रहता है, शासन स्तर पर भी इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। हमारे एसपी साहब और कलेक्टर साहब के द्वारा कल टीम बना के माइनिंग और पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें काफ़ी पुलिस की संख्या भी थी। थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ के साथ साथ माइनिंग के भी स्टाफ था। इसमें रात्रि के 2 बजे के आसपास फोर्स रवाना होकर अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पुलिस ने माइनिंग ने ये कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान करीब 4 डंपर, 3 चैन माउंटिंग मशीन और 3 ट्रैक्टर, इस तरह से कुछ 10 वाहनों को जब्त किया गया है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें आरोपियों की संख्या करीब, गिरफ्तार आरोपियों की संख्या के बारे में अभी थाना प्रभारी और उससे चर्चा की जा रही है, टोटल कितने हैं और कितने आरोपी बनेंगे, इस संबंध में भी जानकारी ली जा रही है। सिमरिया से हनुमानगढ़ कई जाए वाला ऑटो के एक्सीडेंट होगा। ये ऑटो माही 8 सवारी बैठ रहे। अपना का बताए दही कि ऑटो माही नंबर नहीं लिखा रहा, तो उनके भोलगढ़ के मोड़ माही पलट गया। एक्सीडेंट माही 7 जन के घायल हुए के जानकारी है भाई, जिनका सीधी जिला के अस्पताल में भर्ती करावा गया है। वहाँ आज बिहार ने 2 जने का ही रीवा के संजय गांधी अस्पताल का रेफर कई दिन का रहा, जहाँ माही गंभीर घायल सावित्री साहू के रीवा ले उतरे समय चुरहट में मौत हो गए। ये मामला माही परिजन अस्पताल के ऊपर लापरवाही के आरोप लगाई नहीं भाई। सलगे मामला के जांच करे खातिर पुलिस जुटी है भाई, साथ है ऑटो चालक के खोजबीन कर रही है भाई। बुलेटिन की अगली खबर सीधी जिला से है भाई, जहां के सिहावल तितली और डिहुली खास ग्राम पंचायत के बीच में पड़े वाला तालाब, जो उनके दोनों पंचायत में आधा आधा बटा है, वो तालाब के गहरीकरण के नाम से यहाँ जेसीबी और हाईवा से दिन दहाड़े अवैध उत्खनन के काम की जाल है। वहाँ बातचीत करे मां ट्रैक्टर चालक बताइन के उनका डिहुली खास के सरपंच के आदेश मिले के बाद ई माटी खने के काम की जाल है। रीवा माही झारखंड नंबर प्लेट वाली गाड़ी डिवाइडर से भिड़ के पलट गए। घटना माही 2 जने घायल हो गए, जौन जानकारी मिला लाही भाई उमा 2 जने कार से सवार हो के बालाघाट से मिर्जापुर कई जात रहे, जहां नेशनल हाईवे मनगवा थाना के चदे गांव में प्रिंस होटल के लगे कार के एक्सीडेंट होगा। ये घटना में ही 2 जने के घायल हो के जानकारी मिली है। रीवा के सिविल लाइन थाना के छोटी पुल के लगे मोटरसाइकिल में सवार बदमाश महिला के पर्स छुड़ाए के फरार हो गए, जेके बाद सिविल लाइन पहुंची आंगनबाड़ी सहायिका विद्यावती कुशवाहा बताइन के वो अपने घरे जात रही, तब 3 जने मोटरसाइकिल में आए और उनकर पर्स छुड़ाए के भागी है। लूट की यह घटना सीसीटीवी कैमरा में घलाए कैद भई है। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस लुटेरन के हिरे में लगी है। छोटी पुल से वापस आ रहे थे करैया मंडी से, तो 3 लड़के थे बंसर में, वही मेरे बैग छीन लिए, छीना जाती भी हुआ है, खींचा तानी हुआ बैग का। और ये जयरस्तम से होते हुए, ये विश्वकर्मा मंदिर होते हुए घूगर साइड निकल गए, पीछा बहुत किए थे वहाँ पे। कौन लोग हैं ये नहीं पता है। कौन, आप कहाँ से कहाँ जा रही थी? हम लखौरी बाग से करैया मंडी गए थे मौसी के यहाँ, वहाँ से शुद्ध हुआ था घर में, वापस आ रहे थे वहाँ से। कितने बजे घटना हुई? 8:30। बैग में क्या क्या था आपके? बैग में मेरे 20,000 रुपए थे और आधार, पैन कार्ड और समग्र, मतलब पूरा रिकॉर्ड ही था मेरा उसमें। और वो लोग काहे में थे, कौन सी बाइक में थे? पल्सर। कई लोग थे? 3 लोग। बुलेटिन की अगली खबर सीधी से आवाज, जहां के मुख्य बाजार में ही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार युवक 72 साल के बुढ़ान महिला का ठोकर मार दी, जोने के कारण वृद्धा गंभीर तरीका से घायल हो गई है। जानकारी मिली कि महिला अपने घरे से सामान खातिर निकली रही है, जिनका वहां के लोग उठाए के नजदीकी के जिला अस्पताल सीधी में भर्ती कराए दी नहीं भाई। महिला के उपचार चल रहा है। अपने बताई दी कि उनके मुड़े से अधिक खून बह जाए के कारण हालत नाजुक बताई जाती है। वहीं सीधी कोतवाली पुलिस मामला का दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज का वायरल कर दी नहीं भाई और पुलिस आरोपी का अब तलाश रही है भाई। रीवा माही पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के आदेश माही एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के निर्देश में
शहर के सलगे थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रन में ही सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाई, जहां धोबिया टंकी, सिटी कोतवाली, अमहिया थाना और यातायात थाना के दल बल के साथ पुलिस चेकिंग अभियान चलाई रही। पुलिस की रूटीन कार्रवाई में हाका अभियान जो चलाया जाता है, हमारे एसपी साहब के द्वारा हाका अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 50 आदमी लाइन से और तीन थानों में टीआई कोतवाली, टीआई अमैया और एसओ बिशिया, साथ में हमारे डीएसपी ट्रैफिक और उनके साथ के तीनों सूबेदार, ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने ये धोबे टंकी के चारों तरफ जाने वाले रास्तों में एक तरफ ट्रैफिक के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं मोटरसाइकिल वालों के खिलाफ, जो बिना नंबर की मोटरसाइकिल है, जो उल्टे सीधे तरीके से मोटरसाइकिल चलाते हैं, प्रेशर हॉर्न वाले और तीन तीन सवारी बैठने वाले, दूसरी तरफ जो जगह जगह ठेले वालों के साथ में कुछ लोग शराब पीने लग जाते हैं या कुछ और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, इनके खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है और कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अभी तक आबकारी की और मोटर व्हीकल एक्ट की बहुत सारी कार्रवाई की गई है, आंकड़े आपको बाद में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। कुछ समय पहले सेमरिया थाना आही एक ठे युवती के लापता होए के रिपोर्ट दर्ज कराई गई रही है, जहां पुलिस के खोजबीन में जानकारी मिली कि बिटिया बम्बई में हवे, वहां पुलिस अब बम्बई से बिटिया का दस्तयाब कर ली नहीं भाई और तीन ठे आरोपी का गिरफ्तार करी नहीं भाई, जो निमा एक ठे आरोपी अपचारी बालक बतावा जात है भाई। अपलग बताई दी कि करीब 20 से 25 दिन पहले सेमरिया थाना में ही रिपोर्ट दर्ज कराई गई रही, जहां लड़की के लापता हो के जानकारी दर्ज कराई गई रही है भाई। आई सुनाई थे सलगे मामले में का जानकारी दिन चाल रही भाई। करीब 20-25 दिन पहले एक नाबालिग बच्ची थी, उसके परिजनों ने एक रिपोर्ट लिखाई थी कि वो बच्ची को कोई बेला फुसला कर ले गया है, उस पर से पुलिस ने 363 का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। एसपी साहब के निर्देश पर थाना प्रभारी ने टीम बनाई और उसके बाद वो मुंबई से जाकर उस बच्ची को दस्तयाब करके लाए। मुंबई से बच्ची ने आने के बाद बताया कि उसका एक के लड़के के साथ वो गई थी और उसमें दो लड़कों ने मदद की जो उसके लड़के के दोस्त थे, उसमें से एक लड़का नाबालिग भी है, एक ने उसको सतना तक छोड़ा था और दूसरे लड़के ने उसको मुंबई तक छोड़ा था, वहाँ पर वहाँ कमरा वमरा किराए से कराकर उनको वहाँ रुकवाने में मदद की थी। पुलिस के द्वारा तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।